हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार और ये चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 होने वाला है। जैसा कि हमने कल ही आपको डिस्कस कर लिया था कि आज की वीडियो चिंतन यानी कि थिंकिंग के बारे में हम बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम है भाषा और चिंतन, जिसमें भाषा के बारे में पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चिंतन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चिंतन क्या होता है, चिंतन की डेफिनेशन क्या होती है, चिंतन के उपकरण कौन से होते हैं, चिंतन के प्रकार क्या हैं और साथ ही जानेंगे कि चिंतन के सोपान कौन कौन से होते हैं। और यकीन मानिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन लाइनर MCQ में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। वैसे तो इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बट ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। 2 वीडियो 3 वीडियो देखने से ही आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये मिस करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो और जानते हैं कि चिंतन क्या होता है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में निहित होती है। चिंतन को आप जानते हैं कि इंग्लिश में थिंकिंग कहते हैं। कुछ लोगों में इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ बताया है, तो किसी ने एक ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया माना है जो किसी समस्या तथा उसका समाधान यानी कि सही अनुक्रिया के मध्य होता है, एक प्रक्रिया। सिल्वरमैन एक मनोवैज्ञानिक हैं, सिल्वरमैन, उन्होंने चिंतन की डेफिनेशन देते हुए कहा है कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो किसी प्रॉब्लम यानी कि किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए जब हम थिंकिंग का सहारा लेते हैं, जब हम कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं और समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं, तो उसे हम थिंकिंग कह सकते हैं, चिंतन कह सकते हैं। भाषा इसका एक उपकरण होता है, तो इसी की तरह और भी बहुत सारे उपकरण हैं। तो चिंतन के उपकरण या साधन की हम बात करते हैं, सोर्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंकिंग। तो पहला हम लेते हैं उपकरण, वो है प्रतिमाएं यानी कि इमेज। मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त करता है। जो हम देखते हैं दृश्य प्रतिमा या सुनते हैं, जो करते हैं, सभी का आधार में विकसित प्रतिमा होता है। यह भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा भी चिंतन का एक उपकरण होता है। चिंतन करते समय व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम अपने आप से बात करते हैं। इसलिए कहा गया है कि चिंतन एक प्रकार की आंतरिक भाषण होता है। संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट। चिंतन में व्यक्ति भिन्न भिन्न तरह के संप्रत्यय का प्रयोग करता है। प्रत्येक वस्तु या घटना का एक संप्रत्यय व्यक्ति के मन में होता है जो चिंतन में मदद करता है। फोर्थ होगा प्रतीक एवं चिन्ह यानी कि सिंबल एंड साइन। वॉरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने लिखा है इसके बारे में कि प्रतीक एवं चित्र मोहरे एवं गोटियां हैं जिनके द्वारा चिंतन का महान खेल खेला जाता है। सूत्र एक उपकरण होता है, फॉर्मूला, सूत्र। हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि हम छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। इनमें गणित विज्ञान के सूत्र आते हैं, यानी कि अगर मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो उसकी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम जो चिंतन करते हैं वो, उसके लिए हम कौन सा सोर्स यूज़ करेंगे, सूत्र का, फॉर्मूला का। फॉर्मूला यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। भाषा का इस्तेमाल, भाषा एक माध्यम की तरह इस्तेमाल होती है, यानी कि जो पहले हमने टॉपिक पढ़ा था भाषा, उससे पहले जो प्रक्रिया होती है वो चिंतन की होती है। क्योंकि कोई भी प्रोसेस होता है, पहले आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो और उसके बाद उसे जब किसी को बताते हो या उसको अपनी रियल लाइफ में आप एग्जिस्ट करवाते हो, तो तब आपको एक सोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि लैंग्वेज होती है, यानी कि भाषा होती है। चिंतन के टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ थिंकिंग, तो चिंतन स्वाली चिंतन होता है, यथार्थवादी चिंतन होता है। और यथार्थवादी चिंतन के अंदर हम अभिसारी चिंतन पढ़ते हैं, सृजनात्मक चिंतन पढ़ते हैं और आलोचनात्मक चिंतन पढ़ते हैं। फिर थर्ड पे आता है मूर्त और अमूर्त चिंतन, और फोर्थ पे आएगा आपका अपसारी चिंतन। तो स्वाली चिंतन हम किसको कहेंगे?
स्वाली चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करता है। जैसे कि स्वप्न चित्र स्वाली चिंतन का एक एग्जाम्पल है कि आपने कोई सपना देखा है और आप उसको बता रहे हो, तो वो एक स्वाली चिंतन है, आपका एक स्वप्न का एक चित्रण है जिसको कि आप बताने वाले हो। यथार्थवादी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन ऐसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, रियलिटी से होता है, जिसमें कि हम टाइप्स देख रहे थे, अभिसारी चिंतन होता है। इस चिंतन में कोई व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई दिए गए सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार की चिंतन प्रक्रिया में किसी भी विषय पर एकांगी चिंतन किया जाता है। बी में सृजनात्मक चिंतन, इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। और आलोचनात्मक चिंतन, इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण और दोष की परख कर लेता है। अपसारी चिंतन की अगर हम बात करें तो अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में चिंतन करता है और इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति एक ही समस्या का समाधान भिन्न भिन्न विधियों से प्राप्त करने का विचार करता है। जैसे इसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम एक है लेकिन उसके सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, जहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और व्यक्ति अलग अलग सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेगा कि कौन सा सॉल्यूशन उसे बेटर लगता है। मूर्त और अमूर्त चिंतन की अगर हम बात करें तो मूर्त अमूर्त चिंतन वो होता है जहाँ पर हमें कोई पिक्चर्स के थ्रू या फिर कोई प्रतीक के थ्रू हम मूर्त यानी कि एक इमेज है हमारे पास जिसके थ्रू हम चिंतन कर रहे हैं, या फिर एक अमूर्त चिंतन जिसको हम इमेजिनेशन बोल सकते हैं कि हम कल्पनाएं कर रहे हैं, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो वो अमूर्त चिंतन हो जाता है। मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन इसी को बोलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि अमूर्त चिंतन जैसे फिल्मकार वगैरह होते हैं कि वो अपने माइंड में स्टोरी को क्रिएट करते हैं, वो क्रिएटिव लोग होते हैं जो कि अमूर्त चिंतन कर लेते हैं। लेकिन मूर्त चिंतन होता है जब हमारे सामने कोई चीज़ होती है हम उसी के अकॉर्डिंग उसको सोच सकते हैं। जैसे अगर किसी को कोई स्ट्रक्चर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो वो स्ट्रक्चर उसको पेपर वर्क ब्लूप्रिंट में या फिर रियलिटी में देखकर ही उसको समझकर बना सकता है, यानी कि उसको मूर्त एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसके लिए वो काम कर रहा होता है। अब बात करेंगे चिंतन के सोपान की। जैसे ही अगर MCQ क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि चिंतन के कितने सोपान होते हैं, तो इसका आंसर होगा कि 4 सोपान होते हैं। और चिंतन के सोपानों को किसने दिया था हमें, तो वो दिया था ह्यूजोज ने। तो ये ह्यूजोज ने हमें चिंतन के 4 सोपान दिए हैं, और वो 4 सोपान कौन कौन से हैं उनको हम आज जानेंगे। तो पहले होता है समस्या का आकलन, यानी कि पहले कोई प्रॉब्लम होती है हम उसका आकलन करते हैं, यानी कि उसको फाइंड आउट करते हैं। चिंतन किसी समस्या के उत्पन्न या प्रारंभ, मतलब किस तरीके से प्रारंभ होती है उसको हम आकलन करेंगे, क्योंकि चिंतन मूर्त या अमूर्त समस्या हमारे पास हो सकती है, तो हम पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद आती है संबंधित तथ्यों का संकलन, मतलब हमने जो चिंतन की जो समस्या का आकलन किया है और हमें कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं, तो अब हम उन समस्या से रिलेटेड जो तथ्य हैं उनकी खोज का संकलन करेंगे, समस्या से संबंधित तथ्यों के बारे में हम जानेंगे, सिंपल ये कह सकते हैं। फिर क्या होता है, थर्ड पे आएगा फिर निष्कर्ष पर पहुंचना। फिर हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, जो समस्या मिली थी और तथ्य हमने उससे रिलेटेड जो जुटाए हैं उन तथ्यों के बेस पर हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अब क्या करेंगे हम, फोर्थ पॉइंट जो होता है उसको कहेंगे हम परिणाम का निष्कर्ष। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो वो निष्कर्ष हमें मिला था यानी कि वो जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ, अब हम उसकी रियलिटी उसकी मतलब रिलायबिलिटी की जांच करेंगे, वैधता की जांच करेंगे कि उस पर कितना वो रिलायबल है, कितना ट्रस्टेबल है कि हम उसको एक्सेप्ट करें। तो अब परिणाम का निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट की हम वैधता की जाँच करेंगे फोर्थ में। तो ये 4 सोपान होते हैं, मोस्टली तो एग्जाम्स में इनके नाम ही आते हैं, चारों सोपान आपको दे दिए जाएंगे कि चिंतन से रिलेटेड सोपान कौन कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें 3 ऑप्शन होगा समस्या का आकलन, संबंधित तथ्यों का संकलन,
और परिणाम का निष्कर्ष और एक कुछ और दे दिया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब तो हैं चिंतन के सोपान हैं, तो जो फोर्थ है वो आपका अलग होगा। तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस बनते हैं सोपान से, तो मोस्टली कि इसका मतलब कौन से मनोवैज्ञानिक ने ये सोपान दिए हैं, ह्यूजोज ने, और कितने टाइप होते हैं इसके, कितने पद हैं, तो वो 4 पद हैं यानी कि 4 सोपान होते हैं। तो ऐसे करके आपका ये चिंतन से रिलेटेड, चिंतन क्या होता है, चिंतन की डेफिनेशन क्या है, चिंतन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और चिंतन के उपकरण कौन से हैं, चिंतन के सोपान कौन से हैं, तो आई थिंक चिंतन से रिलेटेड हमने पूरा सब कुछ ही कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और भाषा और चिंतन की इन दोनों वीडियोज़ के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और इस नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, तो आप उस वीडियोस को ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको लगाने हैं तो उसके लिए इन दोनों वीडियोस को आपको प्रॉपरली देखना होगा। इन दोनों वीडियोस से रिलेटेड ही एमसीक्यू थर्ड वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो चलिए, बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।